हाय मु स्वाति स्वाति रोसी के आपन समस्त को स्वागत। आज हमर रेसिपी हैला चिकन बिरयानी। हमें चिकन बिरयानी बनने पे एठी सब सामान नै जाइछु। हमें टेस्टी टेस्टी चिकन बिरयानी बनौछु कम टाइम रे यमी रे होइछि। हमें अब गैस ऑन कर दउछु। गैस हमें जो बिरयानी ता बनौछु हमें एटा कुकर रे करूछु। आपन डिश रे मध्ये करि परिवे कढ़ाई रे करि परिवे। मु कुकर रे करछु किंतु प्रेशर दउनी। हमें एठी 100 ग्राम रिफाइनर ऑयल नहींचु। आम तेल आम गरम होमें ये रखु बिरयानी चाउल रखीचु पुदीना पत्र धनिया पत्र प्याज कटा रखीचु मसला बटा रखीदेच चिकेन आम नहींचु 500 ग्राम आलु रखीचु। आमर तेल सेपटे गरम हो आम से चीनी देदेबू कलर हाँपी चीनी आमर कलर हो आसे आम गोटा मसला रखीचु। गोटा मसला से देव गुजराती लवंग डालचीनी अलच आम देदेलु। आम एबल कटा पिज आम रखु पिज को आम भलसे भाजीदेबु। आम पिजर तेल आम लुण देदेलु तेल छाए पा छाड़ भलसे पिज आमर लाल हो आम से पिज ए जो लाल हो आम अधा पिज ए बाहर करनबु। 100 ग्राम पिज नहीं चु 50 ग्राम आम से बाहर करदेबु। जो आम चाउल देवु चाउल पिजटा भजा पिजटा को देवु सहज उपाय यहाँ कलु। आम पिज अधा रखिले अधा बाहर करनेलु। आम ये मसला बटा रखीचु अदा रसुण आज पेस्ट आम रखी देदेलु हलदी पाउडर लंका पाउडर जीरा पाउडर गोटे गोटे चामच आम देदेलु। आम कलर हो आसला भलसे मसला भी कषि आस मसला मोर कषि आसे आम जो चिकेन रखीचु आम से चिकेन देदेबु। से मसला आम अल्प मसला नहीं चु आम ये नहीं 500 ग्राम आम चिकेन नहीं चु आलु तीन टाइम नहीं आलु आप पकई पारे न पकई पारे से किसी असुविधा ना। चिकेन आप हिसाब से खंड करेंगे आम ये लेग पीस नहीं आपण हिसाब से आप चिकेन आईपारे आम ए मसला सागर आम चिकेन टाइम भलसे कषिदेबू। आम चिकेन कषि सेपटे आम जो चाउल बिरयानी चाउल रखीचु आम ये 250 ग्राम आम चाउल नहीं भलसे धोईदेबू। धोईकना आम 10 मिनट ताको भिजेदेबू चाउल को आम जल्दी हो चाउलटा आम एपटे हो गला 15 मिनट आम भर आम जो मसला कषा है चिकेन आम से कषिदेचु। आम से चिकेन को से मसला सब बाहर करदेबू आ से कुकर में ही आम चाउल बसइबू बिरयानी चाउल जो गोटे टाइम आम करदे एका टाइम आम आम चाउल को आम भात आगे करनु फुटेनु आम एका थर के आम से चाउल पकेबू आ चिकेन देहरे मिसईदेबु। सब तक बाहर करनेलु। एबे आम चाउल ये नहीं 250 ग्राम चाउल नहीं चु 250 ग्राम चाउल हिसाब से हाफ लिटर आम पा देव आप जितक चाउल ने तार डबल पा देवे दुई कप हिसाब से मुझे 4 कप ये पा दे जिते चाउल ने हिसाब से पा तार डबल करदे पा तापर आम जो चिकेन आलु आ मसला रखीलु आम चाउल ऊपर से देदेबू सजेदेबू भलसे गोटा गोटा करना रखीचु अल्प चाउल पुणी रखीचु बाकी तक चाउल तापर पुणी देदेबू चिकेन देदेबू। गरम मसला पाउडर देदेलु बिरयानी मसला रखीलु ताको बिरयानी मसला देदेबू तापर आम जो प्याज आम भाजिक रखीचु से प्याज भजाटा से जो मसला पर आम देदेचु से चाउल भलसे भलसे देदेबु तापर प्याज भजाटा को रखीलु। जो आम धनिया पत्र पुदीना पत्र आम काटिकी छोट छोट चूना चूना काटिकी आम रखीलु पुदीना पत्र देदेलु अल्प धनिया पत्र अल्प देदेचु भल तार स्मेल आसो। आम गोटे लेंबू रखीलु लेंबू से चिपुड़ी देवु आम ए कलर नहीं कलर मैं अल्प टिके कलर भल आस से केवड़ा जल आम दौचु तार स्मेल जो बास्ना भल आस बिरयानी बास्ना आसदेलु। एवं आम कभर दे कि लुण आम देदेलु से जो लुण दे मसला लुण चाउल देलु आम एवं कभर दे कि 20 मिनिट मीडियम फ्लेम रखीदेबू।
ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ କଚୁମ୍ବର ବନାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗାଜର ଯେଉଁ ଚୁନା ନେଇଯାଉଛୁ, ବସିକିନା ବାହାର କରିଦେଉଛୁ, କାକୁଡ଼ି ନେଇଯାଉଛୁ, ପିଆଜ ଚୁନା ଚୁନା ଆମେ କାଟିକି ନେଇଯିବୁ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଲଙ୍କା ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ କାଟିଦେବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଦହି ଆମେ ଘରେ ବସେଇଥିଲୁ ସେଇ ଦହିରେ ଆମେ ସବୁ ତକ ମିଶେଇଦେବୁ, ମିଶେଇକିନା ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ଆମେ କଚୁମ୍ବର ତିଆରି କରିଦେବୁ। ବିଟ୍ ଲୁଣ ଥିଲେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ଘର ବନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଅଲଗା ଲୁଣ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେଲୁ। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କଚୁମ୍ବର, ଏବେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ଆମେ ସେପଟେ ବସିଥିଲେ ଆମର ହେଇଯାଇଥିବୁ, ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ବିରିୟାନୀ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଅଛି ତା'ର, ସେଥିରେ ଚାଉଳ କିଛି ସେମିତି ଘାଣ୍ଟି ଯାଇନାହିଁ, ତା ଦେହରେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବୁ, ସର୍ଭ କଲୁ, ଏବେ ପୁଅ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇଛୁ ସେଇଟା ବି ଭଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ବନେଇବାର, ଆପଣ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଝିଞ୍ଝଟ ହେବନି ବିରିୟାନୀ ବନେଇବାରେ, ଆଉ ବହୁତ ଆପଣ ଘରେ ବି ବିରିୟାନୀ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ବାହାରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ଦେହ ପ୍ରତି ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ପିଓର ଜିନିଷ ଏବେ ଘରେ ବନେଇକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରେସିପିଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିବି, ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଅଲଗା ରେସିପି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥରୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆଉ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଆପଣ ଘରେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।